पौधारोपण को लेकर सूबे का वन विभाग खास अभियान चला रहा है, जिसके तहत भोपाल संभाग में 44 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें आधे से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा अकेले भोपाल शहर में ही 11 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यावरण के मौजूदा हालतों पर चिंता व्यक्त करते हुए भोपाल सर्कल से CCF ने कहा कि आज से 10 साल पहले तापमान 35 डिग्री हुआ करता था, जो अब 45 के पार जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि वन विभाग की एक खास मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें पौधारोपण करके ऐप के माध्यम से पौधों की फोटो लगाने और 6 महीने बाद पौधों की स्थिति बताने पर वृक्ष मंत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। पूरे भोपाल संभाग में लगभग 44 लाख पौधों को लगाने इस बार जा रहे हैं, और वो लगभग हमारा आधा पौधा लग गया है। बारिश थोड़ी सी वीक हो गई, वीक में बीच में काम रुक गया था। भोपाल शहर में हम लोगों ने एक चलाया नया मुहिम, कूल भोपाल ग्रीन भोपाल, हरा भोपाल शीतल भोपाल। ये कहा जा रहा है कि जो भोपाल की ग्रीनरी थी वो लगभग 3 हिस्सा खत्म हो गई है और एक हिस्सा बची हुई है। टेम्परेचर जो पहले 10 वर्ष पहले था वो लगभग 35 डिग्री था, अप्रैल मई में अब 45 हो गया है। चिंतनीय विषय है। तो लोगों ने कूल भोपाल ग्रीन भोपाल मुहिम चलाया है, मध्यप्रदेश शासन ने हम लोग मिल करके, उसमें ये करीब 11 लाख पौधे यहाँ पे लगाएंगे भोपाल शहर में, और हम लोगों ने डोर टू डोर